सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम पे चल रहे आज के ट्रेंड के, जो कि गाइस एक सनसेट इफेक्ट, यानी कि मतलब कई कई प्लेसेस पे क्या है कि हम जब फोटोज को क्लिक करने जाते हैं तो हम जो है सनसेट में हमें फोटो क्लिक करनी होती है, बट हम उस टाइम पे जब तक हम पहुंचते हैं तो गाइस क्या है कि रात जो है बहुत जल्दी हो जाती है और हम जैसी फोटोज चाहते हैं वो फोटोज हमें नहीं मिल पाती है। एंड आजकल उसका ट्रेंड भी बहुत गंदी तरह चल रहा है इंस्टाग्राम पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गाइस अगर आप लोग सनसेट के टाइम पे फोटोज को क्लिक करते हो और आपके साथ मतलब कि वैसी जो आपको चाहिए वैसा अगर क्वालिटी नहीं मिल पाती है तो आप वो कैसे ले सकते हो, आज की इस नई वीडियो में आप सभी को कंप्लीट बताने वाला हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल को देख कर भी आप समझ ही गए होंगे कि आज के जो टॉपिक हमारे किस टॉपिक पे होने वाला आज की जो वीडियो है, तो आप लोग वीडियो को जो है कंप्लीट वॉच करना जिससे कि गाइस आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। एंड आप सभी को मैं तीन तरीके बताऊंगा जिसमें से गाइस हो सकता है आपको कोई ना कोई तरीका मालूम भी हो एंड कुछ तरीके ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको ना मालूम हो। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, जरूर आज कुछ ना कुछ आप सीख के जाओगे यहाँ से। तो बाकी गाइस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिएगा तो आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो बस पहले हम बात कर लेते हैं कि आप सनसेट इफेक्ट जो अपनी फोटो में कैसेट लगाओगे, ठीक है। तो पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसको लगाने के तरीके जो है गाइस आपको ड्रो टूल में भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ड्रो टूल में आप कैसे लगा सकते हो मैं बता देता हूँ। पहले आपको कलर्स में जाना है, कलर में जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेना है। एंड ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको ब्रश लेना है। ब्रश का जो साइज लेना है यहाँ पे आपको जो इसका हार्डनेस को बिल्कुल माइनस कर देना है, ठीक है, एकदम जीरो कर देना है। एंड उसके बाद जो आपको उसका साइज अपने अकॉर्डिंग रख लेना है। एंड उसके बाद आप लोग क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे कैसे एक लाइन सी ड्रॉ करनी है, यानी कि एक गोल सा मतलब कि कुछ, ठीक है, इस तरीके से जैसे मैं दिखा रहा हूँ। दैन उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे लेयर में चले जाना है। लेयर में जाने के बाद आपका जो लेयर है आपको उसको सिंपली ट्रांसफॉर्म कर देना है। एंड उसके बाद इसका साइज आप जितना हो सके उतना बड़ा कर दो, ठीक है, इतना ठीक है, ठीक है, इतना रख देना है। एंड उसके बाद आपको सिंपली ऐसे साइड में रख देना है, जैसे कि मतलब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि सनसेट जो है किस साइड से दिख रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपको जरूर मालूम होना चाहिए। अदरवाइज आपको फिर उसके बाद इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है। एंड उसके बाद आपको उसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन कर देंगे तो गाइस कुछ इस टाइप हो जाएगा, यहाँ पे तीन चार ब्लेंडिंग मोड मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सिंपली इसका आपको ओपेसिटी कम करके रखना है। एंड उसके बाद आपको जो यहाँ पे आप इसको चाहो तो यहाँ पे मतलब कि ब्लेंडिंग मोड इसका लाइट भी रख सकते हो, ठीक है, लाइटन वगैरह भी रख सकते हो, ओवरले भी रख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार करके। जैसे मैं ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए कितना मतलब कितना फर्क दिख रहा है यहाँ पे, है ना। अब जैसे कि यहाँ पे हम इसका ब्लेंडिंग मोड ओवरले रख के देखते हैं, देखिए ओवरले में भी लग रहा है, ठीक, बट उसमें जो है अच्छे से विजिबल नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे हम एक बार लाइटन रख के देख लेते हैं। तो लाइटन में भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, मतलब सेम है स्क्रीन और लाइटन का, बस हल्का फुल्का फर्क है। तो आप देख सकते हैं कि एक तरीका यहाँ से भी हो सकता है। एंड दूसरा आपको मैं बताता हूँ, दूसरा आप कहाँ से बना सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको जो यहाँ पे कुछ पीएनजीज वगैरह भी मिल जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पे सिंपली स्टिकर पर जाना है। स्टिकर पर जाकर आपको सिंपली यहाँ पे सनलाइट सर्च कर देना है। आपको यहाँ पे बहुत सारे सनलाइट इफेक्ट मिल जाएंगे, जैसे कि मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। परफेक्ट, अब यहाँ से हम चलते हैं। एंड यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर आपको हर तरीके के सनलाइट इफेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ से चाहो तो यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, और मैं कुछ सनलाइट इफेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं एक यहाँ पर आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस वाले को ले लेता हूँ एक बार। एंड उसके बाद सिंपली क्या करेंगे, हम इसको सिंपली इसका ब्लाइंड मोड चेंज करेंगे, स्क्रीन कर देंगे। एंड उसके बाद हम सिंपली इसका जो है साइज़ यहाँ पर कुछ इस तरीके से बढ़ा देंगे। आप देख सकते हैं कि कितना फर्क दिख रहा है फोटो में, है ना, एक एक सनलाइट के इफेक्ट, एक सनलाइट इफेक्ट के वजह से। अब इसमें आप कलर ग्रेडिंग वगैरह भी कर दोगे ना साथ में, तो ये फोटो जो है और भी ज़्यादा अमेजिंग लगेगी यहाँ पे। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली इसको हटाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ लाइट रूम मैप में आप कैसे कर सकते हो। लाइट रूम मैप का भी एक तरीका है, लाइट रूम मैप में भी है, तो आपको मैं उसमें बताता हूँ। तो सिंपली हम लाइट रूम मैप में चलेंगे। लाइट रूम मैप में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको अपनी फोटो को इंपोर्ट कर लेना है। एंड देन उसके बाद आप सभी को सिंपली मास्किंग वाले टूल में जाना है, प्लस के ऊपर क्लिक करना है आप सभी को। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको सर्कल वाला ऑप्शन लेना है। एंड उसके बाद आपको जहाँ भी सन जो भी इफेक्ट चाहिए आपको, मतलब कि सनलाइट का इफेक्ट चाहिए, आपको सिंपली वहाँ पे ऐसे इस तरीके से आपको सर्कल क्रिएट करना है। एंड उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से जो है ब्राइटनेस को, जो है एक्सपोजर को, जो यहाँ पे बढ़ा देना है। अब जैसे गाइस देखिए व्हाइट कलर का चाहिए तो आप व्हाइट का भी यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर सकते हो। दोनों सब आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे व्हाइट वाला भी होता है, जैसे कि यहाँ पे इस फोटो में पहले से था, पहले से थोड़ा सा शायद। तो यहाँ पे आपको सिंपली कलर ऐड करना हो तो आपको कलर में जाना है। यहाँ पे टेम्परेचर और जो यहाँ पे टिंट है, सैचुरेशन है, इन सबको आप अपने अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है, ऑरेंज हो गया। अब मैं इस साइड में रख लेता हूँ इसको, इस साइड में अच्छे से दिखी गई, ठीक है। तो आपको सिंपली इसका एक पॉइंट को जो ऐसे बड़ा कर देना है, ध्यान आपको इसको यहाँ पे इधर से बड़ा कर देना है, यहाँ पे रख के इस तरीके से परफेक्ट है ना, एकदम अमेजिंग लग रहा है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा इसका एक्सपोजर जो है कम कर लेते हैं। अब यहाँ पे इतना परफेक्ट है, सो एक्सपोजर वगैरह हमने यहाँ पे सब कुछ रख लिया। अब गाइस ये थे हमारे आज के कुछ नए तरीके जो कि मैंने आपको बताया कि आप सनसेट इफेक्ट कैसे ऐड कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए मिलता हूँ सभी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।